हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी ने जो आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए जॉब निकाली है वो आपने सभी ने देख लिया होगा। यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल नहीं बताने वाला, आप लोगों को बताने ये चाहता हूँ कि आप जिस जोन से भरना चाहते हैं भर दें। आपको इंग्लिश आती है तो ऑल ओवर सभी जोन में आपको जॉब मिल जाएगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है तो सभी जोन में आराम से जॉब है, ठीक है। लेकिन जिनको हिंदी स्टेनो आती है वो देख लें, अपना अपना जो जोन है, जो हिंदी क्षेत्र वाले जोन है उन्हीं में भरें। जैसे कि आप बिलासपुर में ढूंढेंगे तो हिंदी स्टेनो के लिए कोई जॉब नहीं है, चेन्नई में ढूंढेंगे तो हिंदी स्टेनो के लिए, बेंगलोर में कोई ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी आपको। चंडीगढ़ जो हिंदी क्षेत्र है, जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, इलाहाबाद हुआ, गोरखपुर हुआ, इन जगहों पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। देखिए यह भुवनेश्वर है, यहाँ पे कोई हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देख लें और मेरे हिसाब से इलाहाबाद में जॉब है, गोरखपुर में है, चंडीगढ़ में है, इस जोन को आराम से आप भरें, ठीक है। मालदा में आप देखेंगे, मालदा में कोई जॉब नहीं है क्योंकि उधर वहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है, तो उस हिसाब से वहाँ पे स्टाफ है हिंदी रखते ही नहीं होंगे, इस हिसाब से वहाँ पे जॉब नहीं निकली है। लेकिन देखिए मुंबई में आप देखेंगे, मुंबई में हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है तो वहाँ पे 26 जॉब निकली है, मतलब जनरल वालों के लिए टोटल जो है 66 जॉब है। इसी तरीके 24 इलाहाबाद में भी है जनरल के लिए, आप देख सकते हैं। और पटना में भी अच्छी खासी जॉब होनी चाहिए थी लेकिन कम है, यहाँ पे 6 जॉब है केवल जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी यूआर के लिए, टोटल 10 जॉब हैं। और इसी तरीके से आप रांची में देखेंगे, रांची में भी काफ़ी कम जॉब है, 10 हैं टोटल। इसमें सिकंदराबाद में कोई हिंदी के लिए जॉब नहीं है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर भी कोई जॉब नहीं है हिंदी स्टेनो के लिए। तो हिंदी स्टेनो वाले ज़रूर देख लें इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से। आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मेरे टेलीग्राम में जाके आप नोटिफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल 4 की जॉब है, अच्छी जॉब मानी जाती है, जूनियर स्टेनोग्राफर आप बनोगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल एसएससी की होती है वही है, इसमें कोई स्पेशल नहीं रखा गया है। आप देख सकते हैं 10+2 यहाँ पे लिखा है होने चाहिए और आपको स्टेनो आनी चाहिए, वहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट से स्टेनो बोली जाएगी और 10 मिनट की स्टेनो बोली जाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल एसएससी के रूल रेगुलेशन है उसी को यहाँ पे रखा गया है। यह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ये हिंदी और इंग्लिश आपने जो भी सिलेक्ट कर रखा है, अगर जूनियर स्टेनोग्राफ हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, और जनरल अवेयरनेस का अलग 50 क्वेश्चन मिलेगा, वो 100 नंबर का होगा। टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। अब हिंदी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, ये जो है हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। इसमें विलोम शब्द आपको 6 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, समानार्थी शब्द जो सिनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, 6 से 8 क्वेश्चन मतलब मिलेंगे, और रिक्त स्थान फिलअप्स मिलेंगे 6 से 8 क्वेश्चन, वाक्यांश मिलेंगे जो वन वर्ड वाले होते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्ति 7 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे, वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि जो है 7 से 9 क्वेश्चन, और ये इनपुट आउटपुट ये सब कंप्यूटर के जो हैं 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी स्टेनोग्राफर का, ये हिंदी वालों के लिए स्पेशली है, इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली इसी तरीके से दे रखा है। एंटोनियम, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स, गिवन वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्शन इन सेंटेंसेस, और कंप्यूटर के 5 से 7 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इस तरीके का आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 50 क्वेश्चन जीएस का होगा। तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लीजिए 50 क्वेश्चन जो मैंने बताया कि आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस का, और 50 क्वेश्चन का हिंदी में है तो आपको हिंदी क्वेश्चन मिलेंगे, ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेगा। तो आप पहले से इस चीज़ की तैयारी कर लें। आप लोगों को हिंदी के लेक्चर चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं हिंदी के प्रॉपर लेक्चर बना के यहाँ पर आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो CBT 1 एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएंगे उसको 10 गुना लोग, 10 टाइम्स यहाँ पे देखिए 10 टाइम्स लोग आपको बुलाया जाएगा फर्दर स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में जो 80 वर्ड पर मिनट से स्पीड से बोली जाएगी डिक्टेशन, आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी होगी, ठीक है, 10 मिनट के लिए, और 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन टाइम उसको ट्रांसलेट करने के लिए मिलेगा, और हिंदी में 65 मिनट मिलेगा। तो ये स्टेज 2 के लिए था। एग्जामिनेशन फ़ीस नॉर्मल वो जो रखते हैं वही रखी गई है, 500 रुपये फ़ीस है आपको। अगर CBT 1 एग्ज़ाम देते हैं तो 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या माइनॉरिटी या फिर फीमेल या फिर PWBD या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको 250 रुपये देने होंगे।
और इसके अलावा और कुछ स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी इसे भर दीजिए। और ये एज लिमिट दे रखी है, इस एज लिमिट में आप वेरी करते हो तो ही आप फिल कर सकते हो, अन्यथा फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप वेट ना कीजिए किसी लास्ट दिन का, आप जल्दी से इसे फिल आउट कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट इस पे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।